तो दोस्तों अब हमारे देश में गैंगरेप जैसी घटनाओं को लेकर भी राजनीति होने लगी है। हमारे देश में एक ऐसा वर्ग रहता है जो सिलेक्टिव होकर चीजों को देखता है, मतलब जब भी कोई घटना हमारे देश में घटती है तो वो लोगों के सामने अलग ही एंगल से उन चीजों को रखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यह वर्ग जो है धर्म जाति का एंगल देखता है, उसके बाद वहां पर यदि उनका एजेंडा फिट नहीं बैठता है तो वह इस चीज को देखते हैं कि वहां पर किसकी सरकार है। और यदि वहां पर कांग्रेस की सरकार हो तो उनका रवैया उनके साथ अलग रहता है, यदि बीजेपी की सरकार हो तो वहां पर उनका रवैया अलग रहता है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर में आखिर चल क्या रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें कितनी गहरी हैं और कैसे इस स्टेट में बीरेन सिंह की सरकार ने आग में घी डालने का काम किया है, कैसे ये डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा शायद फेलियर रहा है आज तक का, और क्या सिचुएशन वापस नॉर्मल आ सकती है। हितांशु, राइट हितांशु, प्लीज टॉक अबाउट द वायलेंस गोइंग ऑन इन वेस्ट बंगाल पंचायत इलेक्शन। हितांशु, यू नो दिस वेस्ट बंगाल वायलेंस, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड यार एपिसोड बनाओ। अभी तो खैर हम लोग एक हफ्ते से तो यूसीसी के बारे में एपिसोड बना रहे थे, एंड आई विल सी इफ वी कैन नाउ गेट द बैंडविड्थ टू लुक इनटू वेस्ट बंगाल। बट वेस्ट बंगाल पे जो वायलेंस हुआ है, इट इज व्हाट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली फैसिनेटिंग इन दैट नेगेटिव सेंस, इज दैट उस स्टेट के डीएनए में ही कहीं ना कहीं वायलेंस भरा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों मणिपुर की जो ये घटना है ये आज से 2.5 महीने पहले की है, जब वीडियो अब सामने आया है तब इस पर कार्रवाई आरंभ हुई है। हालांकि सरकार की जवाबदेही स्वाभाविक रूप से बनती है कि इतने दिनों तक यह मामला कहां दबा हुआ था, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। परंतु दोस्तों जब हम सिलेक्टिव होकर ही चीजों को देखना चाहते हैं तो हमें उन चीजों को भी देखना चाहिए जब पहले इस तरह की जो घटनाएं घटी उनको लेकर हमारा जो दृष्टिकोण क्या रहा है, उन लोगों का दृष्टिकोण क्या रहा है जो आजकल ट्विटर पर आकर मोदी का विरोध करने के लिए ज्ञान देते हैं। हालांकि मैं किसी से कंपेयर करके इस चीज को बैलेंस नहीं कर रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा, परंतु राजस्थान की एक घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जब वहां पर कुछ साल पहले एक दलित महिला के पति के सामने 5 लोगों ने उसका गैंग रेप किया था, तो उस समय क्या है कि वहां पर मौजूदा सरकार में पुलिस पर आरोप भी लगे थे कि उन्होंने इलेक्शन के कारण इस घटना का जो वीडियो है लोगों के सामने नहीं आने दिया। और इस घटना के बाद दोस्तों ना तो कांग्रेस ने वहां पर इसकी खुलकर कड़ी निंदा की थी, ना वहां पर केजरीवाल बोला था, ना ही वहां पर ममता बनर्जी और ना ही वहां पर राहुल गांधी बोला था। परंतु दोस्तों इस मणिपुर की घटना के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज़ की सार्वजनिक रूप से खुलकर कड़ी निंदा की है। आज जब मैं आपके बीच आया हूँ, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूँ, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं।